नमस्कार, मैं सोनम कुमारी, यूथ कॉर्नर में आपका स्वागत है। फूलपुर तहसील के सराय इनायत थाना हनुमानगंज के रहने वाले अजय विश्वकर्मा सन ऑफ रमेश विश्वकर्मा के द्वारा जबरन परेशान किया जाने का बात सामने आ रहा है। ससुराल वालों का कहना है कि उनकी लड़की को शादी से अभी तक विदाई नहीं किया गया है, जो कि शादी 2 मार्च 2019 को हुई थी। तब से अब तक लड़की की विदाई नहीं की जा रही और दहेज के लिए उत्पीड़ित किया जा रहा है। उत्पीड़न में लड़की के मामा रविशंकर सन ऑफ स्वर्गीय गुरदीन निवासी वजीरपुर थाना थरवई स्थायी रूप से मूल निवासी है। रविशंकर ने जानकारी दिया कि रास्ते में आते जाते अजय विश्वकर्मा के द्वारा लगातार गाली गलौज की जाती है और धमकी दी जाती है कि अगर मुझे मेरी डिमांड पूरी नहीं की जाएगी तो हम छोटे बच्चों को उठा लेंगे। साथ ही बच्चों के साथ गलत बातें भी की जाती है। उत्पीड़न से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं। इसके बाद थाने में तहरीर देने के बाद अजय विश्वकर्मा ग्राम देवरिया थाना सराय इनायत प्रयागराज झल्ला गया। अचानक रविशंकर अपने गैरेज का कुछ सामान लेने के लिए गाड़ी से जा रहा था, तभी अचानक अजय विश्वकर्मा ग्राम देवरिया थाना सराय इनायत के और उनके साथी इरफान आदि लोग आ गए और गाड़ी को घेर लिए, जिसमें मारपीट होने लगी। मारपीट में दोनों पक्षों को काफ़ी ज़्यादा चोट आई है, जिसमें सराय इनायत थाना के सिपाही, दरोगा, इंस्पेक्टर आदि लोग मौके पर पहुंच करके सबको पकड़ लिए और पूछताछ के दौरान दोष देता रहा कि ये जानकारी रविशंकर सन ऑफ स्वर्गीय गुरदीन ग्राम निवासी वजीरपुर थाना थरवई प्रयागराज के द्वारा दी गई। 10 लाख की मांग शुरू से करते, शादी के बाद से ही, 10 दिन पहले बाद से ही, 15 दिन बाद से ही करते चले आ रहे हैं। तो क्या जो है लड़की कभी आपके घर नहीं आई? नहीं, शादी पड़ी थी बहन के घर में, तब भी भेजे थे, भांजा गया तो तब भी नहीं विदाई किए और कहन की भाग जाओ नहीं तो गर्म पानी डाल देंगे। मिठाई लेके गया था, आते समय कहे अपनी कुटकी लेते जाओ इसको। ऐसा क्यों करते हैं वो सर? कुछ समझ में नहीं आता। वही शादी के पहले सर, इन्होंने सगाई के बाद शादी को इनकार कर दिया था। हमने सरवई थाने में कंप्लेन किया था, इंस्पेक्टर साहब उसको जो है थोड़ी सी कड़ा किए थे, इसलिए जो है वो समाज के बीच में समझौता रोक आके करके शादी कर दिए थे। हम समाज के दबाव में, हमारे पास उसका सब साबूत लिखा पढ़ी रखा हुआ है। शादी क्यों इनकार कर दिया था? दहेज की मांग कर रहा था, कार की मांग कर रहा था सर। क्या करता है लड़का? लड़का जो है सार्वजन सेवा केंद्र चलाता है, बिजली का बिल जमा कराता है, फास्टैग बनाता है। परसों की क्या घटना है? परसों घटना ये सर कि हम जा रहे थे अंदाव, हमारा कारखाना है कमर्शियल ऑटो सेल, गाड़ी पार्ट का सामान लेने जा रहे थे। तो ये अजय जो है, हम इसको एक लड़का और बैठा उसको जानते नहीं, कमर्शियल ऑटो सेल के 100 मीटर पहले जैसे हम पहुँचे और अजय हमको हाथ दिया, हमने गाड़ी पर एक ब्रेक देखा तो ब्रेक लगाया तो आगे गाड़ी लगा दिया, बोला कि इरफान मारो यही मादर सोरी, जो दोनों हमको मारने लगे सर। हम भी बेल्ट निकाले, तड़ से मारे, हुक टूट गया, हम भी मारना शुरू कर दिए। पीछे से हमारा भाई जा रहा था, वो भी देखा रुक गए, हम दोनों भाई, वो दोनों लोग मिलकर मारपीट होने लगी। थोड़ी देर बाद मारपीट होने के बावजूद एक जानने पर पहचानने वाले पीछे से आ रहे थे, तिवारी जी, वो रुक के बीच बचाव कर दिए। फिर हमने कहा चलिए थाने चला जाए, दोनों भाई थाने जाने, कहें चलो माधर तो देखते हैं थाने पर। फिर फ़ोन करके और लोग को बुला लिया थाने गेट के बाहर, ये लोग मारपीट किए सर, हमारे हाथ में बेल्ट था, मैं भी मारा। इसके बाद जब हल्ला हुई तो पुलिस वाले आए, 3-4 लोग ठेलते हुए ले गए, अंदर बंद कर दिए हम लोग। तो क्या पुलिस ने भी मारा है किसी को? पुलिस ने नहीं मारा सर, हम चश्मदीदी गवाह हैं, हमारे सामने की बात है, मेरे साथ घटना हुई है। पुलिस बंद कर दी है सर, इसके बाद 151 में मेडिकल करा कर दोनों लोग के, 4 लोग के चालान कर दिए। उसमें ये कहा जा रहा था, वो कह रहा था कि पुलिस ने बहुत बुरी तरीके से, नहीं सर नहीं, मारपीट हमसे हुई है सर, पुलिस से नहीं हुई है। मतलब पुलिस ने किसी प्रकार नहीं छुआ? कुछ छुआ ही नहीं पुलिस ने, पुलिस सिर्फ अच्छे ठेलते हुए हाथ से ले जाके बंद कर दिए, बस 4 लोग के बस ठेलते हुए ले गई, बंद कर दिए। आपकी भांजी का क्या कहना है? भांजी सर तो हमारी उसके यहाँ बचपन शादी के बाद से ही वो विदा नहीं कर रहा, इसको अपने जो दबाव में बना के प्रेशर डाल करके डरा धमका अपने बस में किया, जो कहता वही कलवाता है। भांजी से हमारे प्रति अप्लीकेशन दिलवाता है जगह जगह। आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम रविशंकर विश्वकर्मा। क्या भांजी की हत्या की आशंका है? हाँ सर, हम लोग को बैर बना करके बहन से दुश्मनी करा के भांजी को कल मार भी सकता है। वो चाहता है कि बहन की जमीन हड़प लें, बहन से पैसा मांग रहा था, खरा खेत जमीन बेच के दो, बताओ विधवा औरत कहाँ से दे? शादी तो हम लड़कियों कर रहे हैं, 2 लड़कियाँ और शादी करने को सर, कहाँ से पैसा पाएगी, कहाँ से करेगी? अभी हॉस्पिटल भर्ती थी, कान का ऑपरेशन कराया, पूरा देख रेख हम ही कर रहे हैं सर। अभी जैसे आप नाम बताए, इरफान नाम का कौन है उसके साथ जो था? सर उसको जानते नहीं, लेकिन हमको मिला तो वो बोला ना कि इरफान मारो, इरफान यही मादर चोट, तो हम जान पाए इरफान है। अब कहाँ के कैसे हम उसको जानते नहीं सर। इरफान अजय के साथ में था? हाँ साथ में, अजय गाड़ी चला था, इरफान पीछे बैठा था। ठीक है, जब से मेरी बेटी की शादी हुई है, मेरी बेटी की विदाई नहीं कर रहे हैं, मुझे धमकी दे रहे हैं कि मुझे दहेज दो, हम कुछ नहीं पाए, यही सब लोकल सामान पाए, यही जंजीर अंगूठी सब लोकल है,
सारा सामान के झूठ बोलत हैं, बिटिया कहवावत हैं कि मामा नहीं दिए हैं, तू हमका दे अपन खेत बेच के इतना हो चुका कर तू। कितना मांग रहे हैं? अरे हमसे मांगा तो है 2-3 लाख। ये रिपोर्ट थी विजय कुमार फूलपुर से। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ।